हेलो एवरीवन, ये बड़ी क्विक सी वीडियो है, सो डोंट जज मी। मैं सुबह उठा और फिर मैंने आज काफ़ी सारे मैसेजेस देखे जो कि मुझे पहले भी आ रखे थे कि हाउ टू सिलेक्ट कोर्सेज। तो चल जल्दी से, क्योंकि मेरे को भी काम पे जाना है, तो जल्दी से जल्दी बना के ख़त्म करते हो, मैं अपलोड करता ताकि सब, क्योंकि अभी टाइम टिकट निकल चुका है ऑलमोस्ट, या थोड़ी सी देर में निकल जाएगा। तो आई वॉन्ट कि एवरीवन कैन टेक देयर कोर्सेज एट राइट टाइम, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद बड़े लफड़े हो जाते हैं। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले मैं वेबसाइट खोल के बताता हूँ कि वहाँ पे कोर्सेज रजिस्टर कैसे करने हैं, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि कौन से कोर्स पे स्पेसिफिकली कौन से तुम कोर्स ले सकते हो। इनिशियली शुरू शुरू वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि जो यहाँ पर नया नया आया था उसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैं आया था कुछ नहीं जा रहा था ऊपर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज माई कैप्यू स्केड्यूल capilano.u.ca, ये वेबसाइट है। फिर ऐसे तुम्हारा स्क्रीन खुल जाएगा। ओके, अब आपको कोर्सेज उठाने हैं। आई वुड सजेस्ट कि पहले अपने पहले, क्योंकि ये तुम्हारा पहला सेमेस्टर या पहला वो है टर्म, तो इसमें जस्ट पिक 3 कोर्सेज दैट यू गेट टू नो हाउ टीचिंग इज डन हियर। दिस इज व्हाट आई रिकमेंड एवरीवन, एंड दिस इज व्हाट पीपल रिकमेंडेड मी, एंड दिस इज व्हाट आई रिकमेंड यू। तो बस 3 कोर्सेज लेने हैं। ओके, तो हाउ टू टेक कोर्सेज यहाँ पे दिवाया ना, यहाँ पे वी हैव अ बहुत सारे कोर्सेज, बट वन कोर्सेज देखो, दबाते एक कोर्स आ रहा है ENGL 100। दिस इज अ कोर्स जो तुम्हारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, आर्ट्स, बायोलॉजी, कुछ भी हो, पर ये तो लेना ही है। तो अब जैसे ENGL 100 है कोर्स का नाम, तो ENGL और ये नीचे ऑप्शन में आ गया, तो मैंने ENGL 100 दबा दिया। अब देखो, आफ्टर आई सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कोर्स, यहाँ पे आती है उसकी डिटेल्स। अब मैं बताता हूँ कि इनको रीड कैसे करते हैं, ठीक है। सो हेयर वो लोकेशन बता रहा है पहले कि कौन से कैंपस में, तो ये कैंपस है नॉर्थ वैंकूवर। उसके बाद बता रहे कौन से रूम में है, इस BR 323, ये इसके कोर्स हैं। BR मतलब बर्थ है वैसे दिस पर्टिकुलर केस में। उसके बाद है कि टीचर कौन है, तो टीचर है लास्ट नेम शुरू में होता है, फर्स्ट नेम बाद में, सो इट्स डारा ग्रेव्स। ओके, और इससे तुम्हें कितने क्रेडिट्स मिलेंगे, 3 क्रेडिट्स, ठीक है। पर क्रेडिट्स का ध्यान मत रखो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ, मैं बता चुका हूँ पहले कि सिर्फ 3 कोर्स लेने हैं। ओके, तो अब जैसे कि हमने English 100 चूज़ किया, और फिर यहाँ पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब दिखा रहा है कि वेडनेसडे को, फ्राइडे को। वेडनेसडे को क्लास है, ये टाइम जोन है कि कब से कब क्लास है। वेडनेसडे को क्लास है 11:30 से, क्योंकि 11 वहाँ पे, 11:30 से 12:45 तक, अब देख समझ में आ रहा होगा ना। और सेम वैसे क्लास है फ्राइडे को। एंड इफ़ यू आर लाइक, नहीं यार मेरे को वेडनेसडे को काम नहीं करना, तो या फिर मुझे इस टीचर से नहीं पढ़ना, ओके, तो जस्ट क्लिक दिस। तब देखो दूसरी टीचर, वो इस वक्त से इस वक्त पढ़ाती है, तो यू कैन सिलेक्ट दिस वन इफ़ यू वॉन्ट दिस वन, कि आपको शाम को जाना पसंद है, सुबह जाना नहीं पसंद। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, 16 ऑप्शन है, तो अलग अलग टीचर्स यू कैन सिलेक्ट कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है। नाइस, कैंपस का ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ ऑनलाइन आ जाता है जो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा शुरू शुरू में। सो ट्राई टू टेक कोर्सेज इन नॉर्थ वैंकूवर द फर्स्ट वन, बाद में आके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ और भी खोल रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले। खैर, वन मोर थिंग, दिस इज एडवाइस कि आप टाइम एकदम फटाफट से रजिस्टर कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो फुल हो जाती है। देखो अब ये पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर मतलब है इतनी सारी क्लासेस जैसे मैंने दिखाया, वो नहीं तो ये नहीं तो वो, पर ये जो इतनी सारी पर्टिकुलर क्लासेस हैं सीट्स टू सॉरी, देखो अभी 2 लोगों ने ले चुकी है। अब ये अब सोच रहे होगी ये 2 लोगों ने कैसे सीट ले ली। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन, जो भी इससे पहले वाली क्लास में सबसे अच्छे, जितने अच्छे मार्क्स लाता है उसका टाइम टिकट उतने पहले आता है। जैसे अभी लोग और नए लोगों का टाइम टिकट थोड़े काफ़ी जल्दी आता है, ताकि उनको आते कोर्सेज मिल जाए। अब जिसने थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ाई किया उसको 10 दिन बाद मिलता है, जब तक काफ़ी सीट से भूल जाएगा, कुछ लिमिटेड बच्ची होती है तो वो लिमिटेड ही, उनमें काम चलाना पड़ता है, वो अपनी मर्जी की टाइम स्केड्यूल नहीं बना सकते एक तरीके से देखा जाए तो। स्टिल ऑप्शंस आर लेफ्ट, पर वही है कि थोड़े अच्छे मार्क्स लाते रहो तो तुम्हारी टाइम टिकट की टाइम तुम्हें प्रियोर देते थे वो लोग। अब खैर, इसके अलावा ENGL 100 हो गया। ओके, अब ओके, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना बता देता हूँ, आई एम फ्रॉम एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी मेजर। ओके, मेरा ये कोर्स है। English 100 तो मैंने बता दिया कि कोई भी कोर्स ले सकते हो।
उसके बाद है जैसे मेरा साइकोलॉजी है तो मैं साइक 100 ले सकता हूँ. तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 1, अरे ये ले लिया ठीक है. सिर्फ 100 वाले कोर्सेज लेना फर्स्ट में, सिर्फ 100 वाले, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट होते हैं और शुरू में समझ में आते हैं. अब देखो मैं जैसे बताया था ना ऑनलाइन वाला नहीं लेना, तो ये देखो ये सेली वॉल्टर्स ऑनलाइन पढ़ाती, जो कि खराब नहीं है, मैंने पढ़ा है और जो आगे काफ़ी ईजी होता है नो डाउट. पर इधर घर में बैठ के पढ़ना पड़ता है और तुम्हें शुरू शुरू में आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें जाना चाहिए यूनिवर्सिटी और बाद में ऑनलाइन ले सकते हो, घर पे बैठ के पढ़ सकते हो. और शुरू में तुम्हें यू शुड एक्सप्लोर ना, तो डोंट टेक और फिर इसको नेक्स्ट कर लोगे. हाँ अब जब तुम नेक्स्ट करोगे तो अब वो उसके ऑप्शंस बढ़ गए, क्योंकि अब इसके साथ भी क्लासेस मैच होगी ना, अब अलग अलग कॉम्बो बनेंगे. जब आगे पीछे करोगे तो कुछ कुछ ऐसे कॉम्बो बनेंगे जैसे कि ये, दिस इज परफेक्ट. तुम 11 बजे जाओगे यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये क्लास लगाओगे, थोड़ी देर कॉफ़ी पी सकते हो उतने से 15 मिनट में, फिर दूसरी क्लास में जा सकते हो. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको स्केड्यूल ऐसे बनाना, ये नहीं कि आप सुबह 8 से 9 पे क्लास लगा रहे हो फिर रात को उसी दिन लगा रहे हो 6 से 7, तो इतने दिन बीच में यूनिवर्सिटी में ना, लाइक यू शुड मैनेज योर टाइम परफेक्टली ना. अब बट हमें 3 कोर्सेज लेने, 3 के साथ ये करना मुश्किल होगा, 2 के लिए तो आसान लग रहा है, पर जितनी जल्दी कर लोगे ना तो तुम्हें खाली मिल जाएगी और शुरू में हो जाएगा अच्छे से अरेंज. अब हमें तो कोई तीसरा कोर्स लेते हैं, तीसरे में बहुत सारे कोर्सेज ले सकते हैं. आई वुड सजेस्ट इनिशियली जो साइकोलॉजी वालों के लिए क्रिमिनोलॉजी ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं, बट साइकोलॉजी जैसे है तो साइक वापस लिखो, 100 लेवल कोर्स पर 101 ले लेते हैं, 101. अब देखो ये 3 हो गया, अब मैं इसको करूँगा देखो. ओके अब ये देखो स्केड्यूल, अब मेरे को जब तक सबसे ठीक लगे. देखो अगर मैं ये करूँ तो मतलब मैं वेडनेसडे को क्लास पे जा रहा हूँ, फिर मैं सिर्फ 11:30 से जो भी है वहाँ तक पढ़ रहा हूँ, फिर इतनी देर क्लास में एम ही बैठा हूँ रात तक, फिर रात को पढ़ के फिर घर आऊँगा. इससे अच्छा है कि मैं कौन सा ये वाला सिलेक्ट करूँ, ताकि जाऊँगा और क्लास दोनों क्लास लगा के आ जाऊँगा, और फ्राइडे को 3 क्लास लगा के आ जाऊँगा, और ट्यूजडे को साइक 100 मतलब एक के जो क्लास में लगा के आ जाऊँगा. अगर आप इस तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करोगे दिस वुड बी वेरी इजी. अब आई होप मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे कि अब कैसे क्या देखना है और कैसे टाइम टिकट मिलता है सब कुछ. एंड लेट मी एक्सप्लेन कि किस बंदे को कौन कौन से कोर्स लेने चाहिए थोड़े से. ओके सो मेरे को ज़्यादा कोर्सेज का नहीं पता, बट इफ़ यू गाइज मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम जो कि मैं नीचे बायो पे दे दूंगा, आई कैन टेल यू स्पेसिफिकली कि आपको कौन से इनिशियली कोर्स उठाने हैं. मतलब अपने किसी दोस्त से पूछ के जो मेरे साथ उस कोर्स में है यूनिवर्सिटी में, मेरा दोस्त है मुझे जानता है, मैं उससे पूछ के बता दूंगा कि स्पेसिफिकली तुम्हें ये वाले 1, 2 या 3 या जो भी कोर्सेज हैं वो तुम्हें उठाने हैं. ओके पर मैं अपना बता सकता हूँ, मैंने अपना तो चलो दिखा भी दिया साइकोलॉजी वाला, कि शुरू में तुम्हें ये 3 ले लो, लाइफ सेट है. इंग्लिश 100, साइक 100, साइक 101. जब जो तुम्हारे टीचर्स हैं, आप तुम बोलोगे टीचर्स का मैं क्या पता करूँ, किसी भी बच्चे से पूछ लो जो स्पेसिफिक कोर्स है. वैसे टीचर तो कोई बुरा नहीं होता, क्लास सारी अटेंड करो हो जाता है, मैंने जितना नोटिस किया. वैसे बच्चे खैर आप सबकी अपनी अपनी चॉइस, बट छोड़ो. उसके बाद है मेरे को जिसका पता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का साइक 100 के बदले तुम्हें लेना है PADM 100, और फिर 101 भी थोड़ा उसके जो आगे पास है सबसे पास वही वाला लेना, और इंग्लिश 100 सब में न्यूट्रल है. तो बस तुमने अब लेने 2 कोर्सेज, अब वो तुम्हारी मर्जी कि 2 तुम्हारे कोर्सेज कौन कौन से आते हैं. जो भी तुम्हारा मेजर है ना उसी के नाम से होगा, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100 101, साइकोलॉजी का 100 101.